यमुनानगर में ब्लैक फंग्स का पहला मामला आया सामने। पीजीआई से ब्लैक फंग्स की हुई पुष्टि। पीजीआई में युवक का ऑपरेशन कर निकाली गई आंख। यमुनानगर में ब्लैक फंग्स का पहला मामला सामने आया है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के गांव बिकनपुर निवासी 47 वर्षीय युवक को यह बीमारी हुई है। उसे कोरोना संक्रमण हुआ था। कोरोना संक्रमण ठीक होने के बाद उसे ब्लैक फंग्स के लक्षण हुए थे, जिस पर परिजनों ने उसे जिंदल अस्पताल में दाखिल कराया। यहां से उसे पीजीआई में रेफर किया गया था। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि जिले में एक मरीज को पीजीआई से ब्लैक फंग्स की पुष्टि हुई है। पीजीआई में हुई जांच में सामने आया कि युवक को आंखों के पास ब्लैक फंग्स हुआ था। पीजीआई में उसका ऑपरेशन कर आंख निकाली गई। अब उसे वापस जिंदल अस्पताल में ही आगे के ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। फिलहाल यहां उसका इलाज चल रहा है। जिंदल अस्पताल के डॉक्टर योगेश जिंदल ने बताया कि मरीज 19 मई को हमारे पास आया था। उसे संदिग्ध लक्षण दिखने पर ही पीजीआई में रेफर कर दिया गया था। वहां पर उसका ऑपरेशन किया गया। अब वह वापस हमारे पास आगे के इलाज के लिए एडमिट है। इसका व्यक्ति का नाम सतीश है और ये सरसावा का रहने वाला है और पहले ये कोविड से यहीं लोकल हॉस्पिटल में दाखिल था। वहां से रिकवर होने के बाद ये घर चला गया था। शुगर का मरीज है ये। आज से एक हफ्ता पहले मेरे पास आए थे तो इनको चेहरे पे सीधी साइड में दाईं साइड में स्वेलिंग थी और एक आंख की रोशनी ख़त्म हो गई थी। तब हमने इनका एक MRI किया था तो हमने डायग्नोस किया कि ये ब्लैक फंगस का मामला है और हमने इनको PGI रेफ़र कर दिया था। PGI में जाते ही उन्होंने इसको ऑपरेट किया और इसकी दाहिनी आंख निकाल दी और वहीं से इस प्रोसीजर को जो डिब्राइडमेंट बोलते हैं वो करने के बाद अब क्योंकि PGI में कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है तो इन्होंने वापस हमारे पास PGI वालों ने रेफ़र कर दिया था पेशेंट को कि आगे का जो भी इलाज है आप अपने प्राइमरी रेफरिंग हॉस्पिटल में रख के चला लीजिए। तो यहाँ पे ये पेशेंट को हमारे पास दोबारा 19 मई को लेके आ गए थे और तब से ये पेशेंट हमारी निगरानी में है और जो भी इस मामले का इलाज है वो हम कर रहे हैं और पेशेंट इम्प्रूव कर रहे हैं। मेरा नाम संगीता है। सहारनपुर जिला सहारनपुर गांव बिकनपुर से है। तो आपके हस्बैंड का क्या नाम है? सतीश कुमार है इनका नाम। ये क्या काम करते हैं? ये ग्रेटर नोएडा में कंपनी में जॉब करते हैं। तो मैडम इनको क्या हुआ था जिसकी वजह से आपको यमुनानगर आना पड़ा? इनको ये वहाँ पे सबसे शुरू में कोरोना हुआ था और ये घर पे ही डॉक्टर ने दवाई दे दी। इसे कोई ज़्यादा हैवी नहीं था, ये दवाई दे दी कि घर पे क्वारंटाइन रहो। फिर वो दवाई लेते रहे 10 दिन बाद इनको फिर थोड़ी कमजोरी लगी तो घर वाले कहने लगे गाँव वाले कि जैसे बड़े भैया हैं कि यहाँ जाओ थोड़ा इनको रिलैक्स मिलेगा आराम मिलेगा, यहाँ तो इसीलिए आए थे। फिर ये कहने लगे घर पे रखने से कोई फ़ायदा नहीं, थोड़ा सा हॉस्पिटल में जाओ डॉक्टर की देख रेख में तो ये दवाई देंगे जैसे उसको ठीक लगेगा वैसे कर लेंगे। फिर वहाँ पे उन्होंने कोरोना के जैसे वो पता चला फिर शायद उन्होंने कोरोना का ही ट्रीटमेंट शुरू कराया मुझे लगता है। और फिर इनको स्टेरॉइड वगैरह दिया, इंजेक्शन, शुगर भी थी इनको। और फिर वो 2 दिन के बाद ही ट्रीटमेंट चलते हुए 2-3 दिन के बाद इनको थोड़ी नाक में यहाँ से एक नस फूलनी शुरू हुई, फिर वो फैलती फैलती चली गई ऐसे आगे। लेकिन जब तक किसी को पता नहीं था ब्लैक फंगस के बारे में, जब तक जब ये सब हुआ। अब तो सबको पता है, उस टाइम में किसी को पता नहीं था इसके बारे में। तो आपने क्या लक्षण महसूस किए या सतीश जी ने क्या लक्षण महसूस किए ब्लैक फंगस के? क्या हुआ था? क्या कोई दाग वगैरह उत्पन्न हुए आँख में? नहीं, यहाँ से शुरू में नाक के यहाँ से एक नस फूलनी शुरू हुई थी, फिर ऐसे करके ऐसे फिर यहाँ पे थोड़ा टाइट हो गया, नसें सारी टाइट होगी, वो सारा ये आई एक हिस्सा वो, फिर वो आँख के ऊपर स्वेलिंग होगी, फिर इनकी धीरे धीरे करके रोशनी कम हुई, फिर वो पूरी ख़त्म होगी रोशनी।